हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसकी सारी सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा, फीचर्स क्या क्या हैं और उससे आप अपनी वीडियोज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। वाइट स्टूडियो ऐप का मैं आपको फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। इसमें सबसे पहले आपको ये वाइट स्टूडियो की जो एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है और अपने चैनल में लॉगिन कर लेना है। मैं एक डमी चैनल से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में अपने आइकन के ऊपर जो भी आपके चैनल का लोगो है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें पहले नंबर पे ही इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। नोटिफिकेशंस हैं, पहले कमेंट नोटिफिकेशन, इसमें हम यहाँ पे जो इसके सामने एरो है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं कमेंट नोटिफिकेशंस के, कि आप ऑल कमेंट्स चाहते हैं या फिर केवल इम्पोर्टेंट कमेंट्स ही चाहते हैं या फिर टर्न ऑफ करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है नोटिफाई मी वाया पुश नोटिफिकेशन रिसीव अलर्ट्स ऑन योर फ़ोन, मतलब आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन आए वो पुश नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। उसके बाद यहाँ पे अपेरेंस है, डार्क थीम है, आप थीम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बैक आ जाएंगे सेटिंग से। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में थ्री डॉट्स आपको ये जो दिखाई दे रही हैं थ्री लाइंस, इनके ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहला ऑप्शन जो है वो डैशबोर्ड का है, तो डैशबोर्ड में यही खुल जाएगा जो अभी स्क्रीन होम स्क्रीन खुली हुई थी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालिटिक्स हैं और यहाँ पे लास्ट 28 डेज़ का दिखा रहा है, वॉच टाइम, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, जितने सब्सक्राइबर्स चेंज होंगे वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे हम व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए ऊपर, ओवरव्यू, रीच, इंगेजमेंट, ऑडियंस, चार ऑप्शन यहाँ पे आ गए। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो यहाँ पे आपको रिवेन्यू का ऑप्शन भी मिलेगा इसके ऑडियंस के बाद, तो वहाँ से आप अपना रिवेन्यू चेक कर सकते हैं कि आपकी किस वीडियो पे कितनी कमाई हुई है, कितने लोगों ने देखा है, कौन सी टॉप वीडियो है जो आपकी कमाई में है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ओवरव्यू है, ओवरव्यू में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रियल टाइम व्यूज़ का, तो इसमें 48 आवर्स तक के दिखाता है ये सबसे पहले, ठीक है। रियल टाइम व्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वो लास्ट 48 आवर्स का डाटा दिखा देगा। यहाँ से हम चाहें तो जितना मर्जी चाहे हम 7 दिन का देख सकते हैं लास्ट, 28 दिन का, 90 दिन का, जितना हम चाहें, लाइफ टाइम कर देंगे तो जितना भी टोटल होगा वो देख सकते हैं, मंथ वाइज देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से हम यहाँ पर अपना सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं इसमें रियल टाइम। उसके बाद बैक आ जाएंगे व्यूज़ का, ठीक है। उसके बाद नीचे है रियल टाइम व्यूज़ टॉप वीडियोज़, मतलब लास्ट 48 आवर्स में जो सबसे ज़्यादा वीडियोज़ आपकी देखी गई हैं वो टॉप वीडियोज़ आपको इस ऐप में दिखाई देंगी। यहाँ पे ये मेरा अभी डमी अकाउंट है इसलिए आपको यहाँ पे कोई वीडियो नहीं दिख रही है। उसके बाद नीचे है वॉच टाइम ओवर्स, यहाँ पे लास्ट 28 डेज़ का वॉच टाइम दिखाई देगा। इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो डाटा आ जाएगा और ऊपर यहाँ पे लास्ट 28 डेज़ लिखा है, जहाँ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो उनसे भी टाइम हम देखना चाहते हैं, मतलब जितने भी दिन पुराना, वो यहाँ से हम चूज़ करके आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद बैक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से भी बैक कर लेंगे। उसके बाद नीचे सब्सक्राइबर हैं, लास्ट 28 डेज़ में कितने बड़े हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, और आप चाहते हैं लाइफ टाइम देखने का तो वो यहाँ से आप लाइफ टाइम पर क्लिक कर लेंगे तो ये इस तरीके से दिखा देगा। उसके बाद नीचे व्यूज़ हैं, लास्ट 28 डेज़ में आपकी वीडियोस पे कितने व्यूज़ आए हैं वो यहाँ पे आपको डाटा दिखा देता है सारा, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद अगर आप ज़्यादा देखना चाहें तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बैक कर लेंगे, इस पर भी बैक। उसके बाद नीचे टॉप वीडियोज़ हैं आपकी लास्ट 28 डेज़ में, जो सबसे ज़्यादा टॉप वीडियोज़ होंगी, जो सबसे ज़्यादा देखी गई होंगी, वो वीडियोज़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ये सब ओवरव्यू में आ गया। उसके बाद रीच है सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद इसमें सबसे पहले है इम्प्रेशन,
लास्ट 28 डेज़ में, इस पर क्लिक करेंगे इम्प्रेशन वाले पे, तो आप देख सकते हैं 28 डेज़ में लास्ट मुझे इतने इम्प्रेशन मिले हुए हैं यहाँ पे इस डमी अकाउंट पे। तो यहाँ पे आपको डाटा दिखा देगा इम्प्रेशंस का। उसके बाद यहाँ पे इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट है 28 डेज़ में, मतलब जिसने मेरे थंबनेल को देख के उस पर क्लिक किया है वो होता है इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। तो वो अभी मेरा 10% दिखा रहा है इसमें लास्ट 28 डेज़ में। उसके बाद बैक आ जाएंगे, थर्ड ऑप्शन है ट्रैफिक सोर्स टाइप, यहाँ पे आपको ट्रैफिक दिखा देगा, लास्ट 28 डेज़ का दिखा रहा है कि आपका जो ट्रैफिक है वो यूट्यूब सर्च है, सजेस्टेड वीडियो है मेरा, देख सकते हैं आप 50-50%। इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अपना लाइफ टाइम का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये दिखा रहा है देखो, लाइफ टाइम पे क्लिक करते ही यूट्यूब सर्च से है, चैनल पेजेस से है, नोटिफिकेशन, सजेस्टेड, ब्राउज फीचर्स, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखा देगा आपका ट्रैफिक सोर्स कहाँ से है। उसके नीचे है टॉप एक्सटर्नल सोर्स, अगर आपकी वीडियोस पे कोई एक्सटर्नल सोर्स है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, मेरी इस पे कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इनफ ट्रैफिक डाटा टू शो दिस रिपोर्ट आ रहा है। इस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद है टॉप यूट्यूब सर्च टर्म, यहाँ पे आपकी जो भी टॉप यूट्यूब सर्च टर्म है उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टॉप वीडियो सजेस्टेड योर कंटेंट, आपका कंटेंट सजेस्ट करने वाली सबसे ज़्यादा जो टॉप की वीडियो है, जो आप ज़्यादा सजेशन में भेजा है जिसको यूट्यूब ने जिसको, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस पर आप क्लिक करके और लाइफ टाइम वाली भी देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। टॉप यूट्यूब ये हो गया, नीचे टॉप प्लेलिस्ट प्लेइंग योर कंटेंट, ठीक है। तो जो प्लेलिस्ट आपकी सबसे ज़्यादा प्ले हुई होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी नीचे। उसके बाद इंगेजमेंट है थर्ड, इंगेजमेंट में सबसे पहले है एवरेज व्यू ड्यूरेशन, इसमें लास्ट 28 डेज़ का आपका प्रीवियस पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जितना भी व्यू ड्यूरेशन है उसका एवरेज दिख रहा है यहाँ पे। क्लिक करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, चेक करना। उसके बाद टॉप प्लेलिस्ट है, आपके यहाँ पे जो भी टॉप प्लेलिस्ट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, नीचे टॉप कार्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियंस का, यहाँ पे जेंडर दिखा रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जेंडर दिखा देगा, कितने मेल फीमेल आपकी वीडियोस को लाइक करा या देखा है, ठीक है। उसके बाद एज दिखा देगा, उनका एज डिफ्रेंशिएट कर देगा सेकंड वाले में। टॉप जियोग्राफिक्स यहाँ पे दिखा देगा, टॉप सब टाइटल और सीसी लैंग्वेज यहाँ पे दिखा देगा, नो है यहाँ पे अभी, ठीक है, मैंने कोई सीसी लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं करी, सब टाइटल नहीं लगाया। उसके बाद वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर से कितना वॉच टाइम आया है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अदर वीडियोस डेट योर ऑडियंस वॉच्ड वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद अदर चैनल्स डेट योर ऑडियंस वॉच वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एनालिटिक्स में ही, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो यहाँ पे आपको टोटल रिवेन्यू भी दिखाई दे जाएगा यहाँ पे सब्सक्राइबर चेंज के नीचे, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपकी सारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है, वीडियोस यहाँ पे आ गई। उसके बाद फिर से आपको थ्री लाइंस पे क्लिक करना है, दूसरा जो टैब है वीडियोस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सारी वीडियोस हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो है सबसे पहले सॉर्ट बाय आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मोस्ट रिसेंट मोस्ट व्यूड उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, ठीक है, व्यूज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आपका चैनल मोनेटाइज है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा मोनेटाइजेशन का, तो उसमें आप मोनेटाइजेशन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर ये लाइव वाला ऑप्शन है, अगर आपने कोई लाइव किया है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, प्लेलिस्ट अगर आपने कोई बना रखी है तो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद फिर से थ्री डॉट्स पे यहाँ पे कमेंट्स पे क्लिक करना है, कोई भी कमेंट यहाँ पे आया होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। पब्लिश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एरो पे, हेल्प फॉर रिव्यू में होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। एनालिटिक्स में आपको बता ही चुका हूँ, तो ये सारी सेटिंग्स हैं वाई टू स्टूडियो की। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।